हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर कैलकुलस में जो हमने स्टडी करना है वो है एक्सपेंशन फार्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसमें हमारे पास देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हो इसके अंदर, तो इसको देखिए हम इसको भी फाइंड आउट करें और ये हमारे पास वैल्यू किसके बराबर होती है, ए डॉट सी और बी इंटू में माइनस का ए डॉट बी इंटू में सी। तो बस थोड़ा सा हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ए की सी के साथ, फिर बी को बाहर रखेंगे, फिर ए की बी के साथ सी को बाहर रखेंगे, तो ऐसे करके है दिस वन माइनस दिस वन। इसी तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी के है, ए का सी के साथ करेंगे बी को बाहर रखेंगे, फिर बी का सी के साथ करेंगे ए को बाहर रखेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने अडॉप्ट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हमने। तो इन्होंने यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है कि कैसे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, तो हम प्रूफ नहीं करेंगे बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए हमारे पास शो बाय एन एग्जाम्पल That A cross B cross C is not equal to A cross B cross C। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉस लेके चलते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, यानी कि एसोसिएट करने के बाद ये डिफर हो सकते हैं हमारे पास। हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए हम जर्नल वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी तीन वेक्टर ले लीजिए आप अपनी तरफ से। ये हमने तीन वेक्टर ले लिए, ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ए क्रॉस बी फाइंड आउट होने के बाद क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी के जो वेक्टर आए हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ। कैसे लेंगे, ए क्रॉस बी ए क्रॉस ये आई जे के तो लाइट करने आपने, ए क्रॉस बी क्या आया हमारे पास, ए क्रॉस बी ये आया हमारे पास, तो इसके कोफिशेंट क्या हो गए, वन माइनस वन टू और माइनस वन, और हमारे पास सी के कौन से हो गए, हमारे पास थ्री फोर और फाइव, तो ये हमारे पास सी के वेक्टर थे। तो ये हमारे पास इसका निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वांटिटी आती है। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, पहले हम बी क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ए के साथ क्रॉस लेंगे, दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या देंगी, डिफर वैल्यू देंगी, तो हमारे पास क्या हो गया कि बोथ आर डिफर। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब एक केस इन्होंने दिया, कहता शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि ये अब इसके बराबर दे दिया, बट इसमें एक कंडीशन क्या लगा दी, इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कोलिनियर। तो देखिए हमारे पास ये केस कब ट्रू होता है, जब हमारे पास ए एंड सी आर कोलिनियर होते हैं, तो सिर्फ इसी केस में हमारे पास ये बराबर होता है, अदरवाइज ये हमें क्या देता है, डिफरेंट वैल्यूज देता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन आपको बताया, नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम ये मान के चलेंगे ये बोथ आर इक्वल, सपोज कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो देखिए हमारे पास, मैं वही क्रॉस का जो फार्मूला किया था हमने वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें ए का सी के साथ डॉट लेंगे, बी को बाहर रखेंगे। ओके, ए का सी के साथ डॉट गया, बी को बाहर रखा, माइनस में क्या आ जाएगा, ए का डॉट बी के साथ रखेंगे और सी को बाहर रखेंगे। जो फार्मूला यहाँ पर लगाया है वही यहाँ पे लगा देते हैं, क्या था, ए का सी के साथ डॉट रखेंगे, बी को बाहर रखेंगे, फिर माइनस का बी का सी के साथ डॉट लेंगे और ए को बाहर रखेंगे। तो ये हमारे पास ऐसे तरह से हो जाएगा। अब क्या किया है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये टर्म उठा के इस तरफ ले आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि ये हमारे पास अब इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, और ये हमारे पास किसका हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू सेम दे रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से, देखिए ए डॉट सी बी हो गया, ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया और ए सी बी हो गया। तो जो ए सी बी है और ए सी बी है, ये दोनों बोथ आर सेम, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये।
इट मीन्स जब हमारे पास दोनों इक्वल हैं तो ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है, जीरो दे रही है वैल्यू। और आगे देखते हैं, हमारे पास अब ये टर्म हमारे पास जो है सी डॉट बी, ए बाहर है, ए डॉट बी सी बाहर है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, जो हमने पीछे फार्मूला किया था उसी फार्मूले को दोबारा से देखते हैं। क्या दिस कैन बी रिटन एज दिस, कैसे? देखिए इसको ओपन कीजिए आप, सी डॉट बी बनेगा, सी डॉट बी यहाँ पे है, ए को रखा बाहर, ये रहा माइनस, ए डॉट बी आएगा, सी यहाँ पे बाहर आ गया। तो इसको हम अगर ओपन कर सकते हैं, इसको वापस क्लोज भी किया जा सकता है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो अगर ये जीरो के बराबर है तो हमें ये क्या प्रोवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज दैट, ये कह रहा है या तो बी जीरो के बराबर है या सी क्रॉस ए जीरो के बराबर है, दोनों में से एक तो जीरो के बराबर है तभी इनका क्रॉस जीरो के बराबर है। अब बी को अगर जीरो कर दिया, बी तो हमारे पास कभी भी जीरो ले नहीं सकते, इसका मतलब सी क्रॉस ए वो है जीरो के बराबर, क्योंकि बी वेक्टर को जीरो नहीं ले सकते ना अपन, तो सी क्रॉस ए जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हो सकता है देन ए एंड सी, ए एंड सी आर कोलिनियर वैक्टर्स, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस हमारे पास जीरो आता है तो इट मींस दोनों के दोनों वेक्टर क्या है हमारे पास, एक एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो कोलिनियर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं हमारे पास। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास क्या है कि अगर कोलिनियर, यहाँ पे हमने शो करके दिखा दिया ये कोलिनियर, अगर मान लीजिए वो हमारे पास कोलिनियर है तो इट मीन्स एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल होगा, तो हम क्या करते हैं, सी इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, स्केलर मल्टीपल क्या ले लिया, लैम्डा। अब दोबारा से, अब ये हमारे पास तो वैल्यू थी, अब यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, सी की जगह पे क्या ले लिया, लैम्डा ए ले लिया। नाउ ओपन करते हैं अब इसको, वही फार्मूला अडोप्ट करेंगे, ए का ए के साथ डॉट हो गया, बी को रख लिया बाहर, फिर बी का ए के साथ हो गया और फिर ए को रख लिया बाहर। नेक्स्ट हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करते हैं, हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस लैम्डा ए आ जाएगा सी की जगह पे, क्योंकि ये हमने किया है। इसको भी वैसे ही ओपन कर लेते हैं, ए डॉट बी लैम्डा, ये ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट ए ले लेंगे, बी को बाहर रख लेंगे, फिर ए डॉट बी आएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसको लैम्डा को बाहर रख लेंगे, ये सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इट मीन्स दे आर इक्वल। यानी कि क्या हुआ हमारे पास, अगर ये कंडीशन इक्वल होती है, ये तभी इक्वल होगी जब हमारे पास ए एंड सी आर कोलिनियर होंगे हमारे पास। अब इसी तरीके से सिंपल सा वही अपन ने मेथड यूज करना है, इसमें कह रखा है दिस वैल्यू बिकम जीरो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, पहले ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी निकालते हैं, तो वही मेथड लगेगा, ए का बी के साथ हो जाएगा, ए का सी के साथ हो जाएगा, बी को बाहर रखेंगे, फिर ए का बी के साथ होगा, सी बाहर रखेंगे, इसी तरीके से इसके ऊपर लगा दो, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले के ऊपर लगा दो, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो दे विल बिकम जीरो। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर, तीन वेक्टर दे दिया हमें, इन्होंने कहा है कि हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट हो जाएगा सिंपली, और ये क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई दैट दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर होता है, देखो कोई वेक्टर अगर किसी के ऊपर परपेंडिकुलर है इट मीन्स उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट मीन्स हमें क्या करना है, इस वेक्टर का
डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम ए के साथ एज वेल एज बी क्रॉस सी के साथ, अगर वो वैल्यू हमें जीरो देता है इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम पहले हम क्या करते हैं यही फाइंड आउट कर लेते हैं क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सिंपल मेथड है इसका, बी क्रॉस सी पहले फाइंड आउट कर लेंगे हम। बी क्रॉस सी कैसे फाइंड आउट करोगे आप? बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड लगा के हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लिया। ये हमने पहले भी कर लिया। ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास है, सबसे पहला केस क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, इस वेक्टर जो अभी अपन निकाला ये वाला वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ए के साथ। देखो ये ए वेक्टर हो गया और ये हमारे पास जो ये वेक्टर आया था और ये दोनों की क्या कर दी, डॉट प्रोडक्ट कर दी। आप इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। इट मींस दे आर परपेंडिकुलर। एंड नेक्स्ट अगर मान लीजिए अब इसको क्या करो, बी क्रॉस सी से, अगर बी क्रॉस सी जो है हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, इट मींस ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, ये कह रहा है तीन वेक्टर है हमारे पास, इफ ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट किस तरीके से हैं वो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर एंड द एंगल्स ए मेक्स विद बी। यहां पे हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है कि ए जो है हमारे पास बी एंड सी मेक्स एन एंगल।